नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत समय से इंतजार हो रहा था, इस बार वितरण लगातार डिले हुआ है। जो नई तारीख है NFSA का, जो रेगुलर वितरण होना था, ये लगातार डिले हो रहा था और लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि ये वितरण आखिर कब से शुरू होने वाला है। तो ये आपका जो इंतजार था वो समाप्त हो गया है और नई तारीख, नया आदेश आ गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं जिनके विषय में थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा आपको। इसमें नया क्या है कि एक उसमें दिया गया है रिफाइंड नमक और चना के बारे में भी इसमें दिया गया है, और इसमें ये दिया गया पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। जैसे थंबनेल में आपने लिखा है रिफाइंड नमक चना मिलेगा, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। जो हमारा पुराना बचा हुआ था उनमें, जो अभी सरकार ने वितरण कराया था स्पेशली उस पर फोकस करके, जो लोग रह गए उनको बुला के बांटा जाए, दोबारा से तारीख भी लगाई थी। उसके बाद भी यदि किन्हीं जिलों में रह गए हैं, बहुत से जिलों में रह गए हैं ऐसे, तो उन्हीं के जिन कोटेदारों के पास जैसे एक रिफाइंड एक नमक एक चना रह गया है या किसी के पास दो रह गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये आदेश दिया गया है कि पहले पाओ और पहले आओ के आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी जो भी अंत्योदय कार्ड धारक पहले पहुंच जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें कोई वो हिलावाली नहीं करनी, बस इतना अंतर है और कोई बात नहीं है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये बांट दिया जाएगा, उन लोगों को ख़त्म करना है सरकार को। ये जो चीज़ थी ये बड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि सब लोगों को ये नहीं मालूम कि कैसे करना है। तो ये हालांकि सबका मैटर भी नहीं है, किसी ज़िले में एक दो रह गया होगा, किसी ज़िले में पांच रह ऐसे कुछ रह गए होंगे, तो उन कोटेदारों के लिए ये है कि जो भी आ जाए पहले अंत्योदय कार्ड धारक उसी को दे देना है, बस उनको मिलना है। दूसरी चीज़ तारीख की बात जो है, तो वो तारीख जो डिसाइड हुई है वो तारीख है 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ये वितरण चलेगा। NFSA का ये रेगुलर वितरण जो है 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ये वितरण होगा, और 15 नवंबर इसकी अंतिम तारीख होगी। और जो पोर्टेबिलिटी सॉरी प्रोक्सी यानी जो OTP के माध्यम से जो दिया जाता है थंबनेल लगने पर, उसकी डेट भी 15 ही होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि 7 नवंबर से वितरण प्रारंभ होगा और 15 नवंबर तक ये वितरण चलेगा। ये NFSA का रेगुलर वितरण होगा, और इसमें जिनके पास रिफाइंड नमक और चना बचा है वो लोग जो पहले आ जाएगा अंत्योदय कार्ड धारक उसको ही ये मिल जाएगा। तो इतनी सी बात है, अगर कोई भी आपके पास डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगले वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत समय से इंतजार हो रहा था, इस बार वितरण लगातार डिले हुआ है। जो नई तारीख है NFSA का, जो रेगुलर वितरण होना था, ये लगातार डिले हो रहा था और लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि ये वितरण आखिर कब से शुरू होने वाला है। तो ये आपका जो इंतजार था वो समाप्त हो गया है और नई तारीख, नया आदेश आ गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं जिनके विषय में थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा आपको। इसमें नया क्या है कि एक उसमें दिया गया है रिफाइंड नमक और चना के बारे में भी इसमें दिया गया है, और इसमें ये दिया गया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। जैसे थंबनेल में आपने लिखा है रिफाइंड नमक चना मिलेगा, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। जो हमारा पुराना बचा हुआ था उनमें, जो अभी सरकार ने वितरण कराया था स्पेशली उस पर फोकस करके, जो लोग रह गए उनको बुला के बांटा जाए, दोबारा से तारीख भी लगाई थी। उसके बाद भी यदि किन्हीं जिलों में रह गए हैं, बहुत से जिलों में रह गए हैं ऐसे, तो उन्हीं के जिन कोटेदारों के पास जैसे एक रिफाइंड एक नमक एक चना रह गया है या किसी के पास दो रह गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये आदेश दिया गया है कि पहले पाओ और पहले आओ के आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी जो भी अंत्योदय कार्ड धारक पहले पहुँच जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें कोई वो हिलावाली नहीं करनी, बस इतना अंतर है और कोई बात नहीं है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये बांट दिया जाएगा, उन लोगों को ख़त्म करना है सरकार को। ये जो चीज़ थी ये बड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि सब लोगों को ये नहीं मालूम कि कैसे करना है। तो ये हालांकि सबका मैटर भी नहीं है, किसी ज़िले में एक दो रह गया होगा, किसी ज़िले में पाँच रह ऐसे कुछ रह गए होंगे, तो उन कोटेदारों के लिए ये है कि जो भी आ जाए पहले अंत्योदय कार्ड धारक उसी को दे देना है, बस उनको मिलना है। दूसरी चीज़ तारीख की बात जो है, तो वो तारीख जो डिसाइड हुई है वो तारीख है 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ये वितरण चलेगा। NFSA का ये रेगुलर वितरण जो है 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ये वितरण होगा, और 15 नवंबर इसकी अंतिम तारीख होगी। और जो पोर्टेबिलिटी सॉरी प्रोक्सी यानी जो OTP के माध्यम से जो दिया जाता है थंबनेल लगने पर, उसकी डेट भी 15 ही होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि 7 नवंबर से वितरण प्रारंभ होगा और 15 नवंबर तक ये वितरण चलेगा। ये NFSA का रेगुलर वितरण होगा, और इसमें जिनके पास रिफाइंड नमक और चना बचा है वो लोग जो पहले आ जाएगा अंत्योदय कार्ड धारक उसको ही ये मिल जाएगा। तो इतनी सी बात है, अगर कोई भी आपके पास डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगले वीडियो तक
बहुत बहुत धन्यवाद।